यूं तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर फेसबुक से लेकर ट्विटर और व्हाट्सएप तक तरह तरह के जोक वायरल होते रहते हैं और उनकी पॉलिटिक्स को तो उनके विरोधी तो विरोधी खुद उनके पार्टी के लोग भी सीरियसली नहीं लेते। पर इन सब के बावजूद भी अक्सर राहुल बाबा के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे वो ना चाहते हुए भी बन जाते हैं मजाक के पात्र। वैसे तो हमेशा ही राहुल गांधी की सभाओं और बैठकों के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन हाल ही में राहुल बाबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। पर हाय रे फूटी किस्मत, बोलते बोलते राहुल बाबा का माइक कब बंद हो गया पता ही नहीं चला। खैर अब इतना भी हुआ होता तो भी ठीक था, पर राहुल बाबा का बैड लक तो देखिए। सिचुएशन से निपटने के लिए दूसरे माइक का इंतजाम होने के बावजूद ऑप्शनल माइक ने भी काम नहीं किया। बेचारे राहुल बाबा भरी महफिल में तमाशा बन के रह गए। चलिए दिखाते हैं आपको राहुल गांधी का ये वीडियो क्लिप। राहुल जी बोलेंगे उसके बाद। थैंक यू माखन जी। नमस्कार। आज हमारी मीटिंग हुई और बेसिकली दो मुद्दों पे थी। एक करप्शन इशू और लोकपाल, और दूसरा प्राइस राइज के इशू। काफी डिस्कशन के बाद कांग्रेस के सब चीफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया है कि फरवरी तक जो आ गया तो फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब फॉलो एंड लाइक।